हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये जो आप बाइक देख रहे हैं पल्सर 200 NS BS3 मॉडल है। तो इसका जो प्रॉब्लम है कूलेंट इंजन ऑयल में मिक्स हो जा रही है। तो आज हम इंजन ऑयल कूलेंट में मिक्स हो रही है और किस कारण से हो रही है और इससे कैसे बचा जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये आप विंडो में कि इंजन ऑयल का जो कलर है ये वाइट है। तो वाइट होने का जो रीज़न है इंजन ऑयल में जो कूलेंट मिक्स हुआ उसके कारण से इंजन ऑयल वाइट हो गई है। तो आज वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि इंजन ऑयल में कूलेंट मिक्स होने से कैसे बचाएं और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंजन ऑयल का क्या कंडीशन हो गया कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स होके। अब हम वाटर पंप को खोलेंगे। तो ये है वाटर पंप का कवर, चलिए अब इसे खोलते हैं। वाटर पंप का कवर खुल गया है, अब हम इसे रोटर को खोलेंगे। तो इसमें ये वाला ऑयल सील ख़राब हो गई है जिसके कारण से इस जगह से इंजन कूलेंट इंजन ऑयल में जाके मिक्स हो जा रही है। तो हम ये ऑयल सील चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका सर्क्लिप निकालेंगे, उसके लिए लॉक प्लस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑयल सील निकल गया है, अब हम इस जगह को अच्छी तरह से क्लीन करके इसमें न्यू ऑयल सील को फिट करेंगे। अब हम इसका ऑयल फिल्टर खोलेंगे और क्लच कवर को रिमूव करेंगे। क्लच कवर खोलने का रीज़न है कि क्लच साइड को क्लीन करना पड़ेगा डीजल या पेट्रोल से, इसलिए इसका क्लच कवर भी रिमूव करेंगे। तो हमने ऑयल फिल्टर निकाल लिया और क्लच कवर को रिमूव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये कूलेंट और इंजन ऑयल मिक्स होके कैसा हो गया है। तो इनको इन सारे एरिया को हम डीजल से वॉश करेंगे और क्लच कवर को। सारी एरिया क्लीन हो गई है और क्लच कवर भी क्लीन हो गई है। तो इसका हम गैस्केट चेंज करके क्लच कवर को फिट करते हैं। क्लच कवर फिट हो गई है, अब लगाएंगे वाटर पंप का ऑयल सील। तो ये है ऑयल सील दो। तो वाटर पंप में दो ऑयल सील लगती है, एक अंदर की साइड एक बाहर की साइड। तो चलिए ऑयल सील को फिट करते हैं। ऑयल सील लगाने से पहले उसे हल्की सी ऑयल से पहले ल्यूब कर लेंगे, उसके बाद फिट कराएंगे। ये जो ऑयल सील है जो पहला फिट होगा, तो ये वाला जो पोर्सन है ये अंदर की साइड रहेगा,
अब इसमें हम इसका बूस्ट लगाएंगे। अब हम इस सॉकेट से इसे टैप करके इसे फिट करेंगे। पहला ऑयल सील फिट हो गई है तो प्रॉपर वे में। अब हम दूसरा ऑयल सील फिट करेंगे, तो उससे पहले इसे ल्यूब कर लेते हैं हल्का इंजन ऑयल से। अब इसे हम इस डायरेक्शन में फिट करेंगे। ऑयल सील फिट हो गई है प्रॉपर वे में। ऑयल सील फिट करने समय ये ध्यान रखें कि ये ऑयल सील टेढ़ा ना हो। अगर ऑयल सील टेढ़ा हो जाएगा तो ऑयल सील कट जाएगी और कूलेंट सारा इंजन ऑयल में फिर से मिक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि ये ऑयल सील प्रॉपर सही तरीके से बैठे, तो ही ठीक है। अब हम इसका सरक्लिप लगाएंगे। अब हम इसका रोटर लगाएंगे। अब हम इस कवर को फुल टाइट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। वाटर पंप पूरी तरह से फिट हो गई है कवर। अब हम इसमें लगाएंगे ऑयल फिल्टर। अब फुल फिटिंग के बाद मिलते हैं। बाइक पूरी तरह से रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं सब कुछ फिटिंग हो गई है। तो मैंने इसका टेस्ट भी कर लिया है। तो अगर सेम प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है तो ये ज़्यादातर यही ऑयल सील कटता है, कूलेंट मिक्स होने का जो रीज़न होता है, ये पल्सर NS RS और डोमिनार और KTM के बाइक में, तो ये ऑयल सील कट जाता है यहाँ से वाटर पम्प का। तो अगर ऐसा आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो इस वाटर पम्प का ऑयल सील चेंज करा दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।